अजी उठो जी, मगरिब का टाइम हो गया, उठो। अब कितना सोते? अरे तो तुम्हारा क्या जा रहा भाई, तुम इतना कहीं को परेशान हो रहे जैसा कि कयामत आ गई। सोने दे, ये टाइम पे सोए तो फ्लासियत आती जी। उठो तुम। लो भाई, उठ गया। बिस्तर साफ करो, ब्लैंकेट फोल्ड करके अंदर वाले कमरे में जाके रखो। जाओ। मैं कहीं को करूं जी? वो सब छोटन करता ना, उसको बोलो ये सब तुम। जी मालूम ना, उन्होंने रियल एस्टेट के काम पे गया सो है। अब से ये सब काम तुम्हारे कुछ करने का है। क्या परेशानी है कि भाई ये सुने भाई, जिंदगी में इंसान का उसका अपना एक मकसद रहना दे। अगर मकसद नहीं रहना तो दूसरे लोग उनके मकसद के वास्ते तुम्हारे को इस्तेमाल कर लेते, जैसा कि मैं मेरे साले को घरों के काम का से इस्तेमाल करता था। अब उन्हें नहीं है, मैं कुछ करना पड़ता। परेशानी क्या बोलना? किससे बात कर रहे? वो हमारे सगनों से बात कर रहा हूँ। अच्छा, बातें कम काम ज्यादा करो तुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? खैरियत? इनू थोड़ा नाराज है, क्या बोलते सब लोग लाइक का कमेंट नहीं करे करते। हाँ। थोड़ा इनकी नाराजगी दूर करो और लाइक्स कमेंट भर भर के करो, समझे? वो मैं बोल लेता, मेरे सगे हैं लगा, तुम कहीं के बीच में फुदक रहे, तुम कहीं को है वो बोलो। बिस्तर साफ करने के बाद ये भिंडी काट के दियो। हाँ? अरे तुम ये कुछ ज्यादा जुल्म नहीं करते रहे भाई? हाँ, बिस्तर छटक के दियो, भिंडी काट के दियो, क्या है, व्हाट इज दिस? अच्छा हुआ बच्चा नहीं है अपने को, बच्चा रहता तो उसका पैंपर चेंज करो, पैखाना करा, सो पेंदा धुला के दियो बोलते थे तुम। पैदा करे तो करना पड़ता। इधर तो उल्टी गंगा भोरी। अरे भाई बच्चे को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना सुलाना अम्मा का काम रहता, बाबा का नहीं। और ये कौन सी किताब में लिखे हुआ है? मेरी किताब में। जला देती है किताब। क्या हुआ जी, खामोश हो गए, जवाब नहीं है? क्या जवाब देना जी, क्या जवाब देना, ऐसा काट के खाने आए तो? नहीं मालूम तो बोलो नहीं मालूम। मैं बोलती हूँ, सुनो। आदमी बाहर जाता, मेहनत करता, मुशक्कत करता, तपती धूप में मेहनत करता, खून पसीना एक करता फैमिली के वास्ते। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोले। और औरत अपने घर में रहती, घर का ख्याल रखती, बच्चों की परवरिश करती, अपने हस्बैंड का ख्याल रखती, हस्बैंड के वास्ते लजीज खाने बनाती और उसका दिल जीतती, ये औरत की जिम्मेदारी है। बराबर, तुम्हारे सो मालूम है तो मालूम रख के मेरे से कई को घस ले रहे जी तुम। हा? तुम क्या संदल की लकड़ी है घस लेने के वास्ते? देखो चुप, परेशान नको करो मेरे को तुम। अरे क्या है, घर में अंधेरा अंधेरा कहीं को लाइटा कहीं को बंद है, फैन कहीं को बंद करे तुम? जब पूरे घर के पूरे लाइटा डालो, फैन डालो, फिर बात करो आके तुम मेरे से। अरे डालो भाई लाइट। नाइस, थोड़ा अच्छा दिख रहा। जल्दी जल्दी काम करने का है, झाड़ू करना है, पोछा करना है और कचरा फेंक के आना है, जाओ। मेरे से नहीं होता जी, मेरे से किसको तो भी बुला कर लो तुम, मेरे से नहीं होता। सुबह सुबह दिमाग खराब, किसको तो भी बुला लो तुम। किसको बुलाओ जी, छोटेंच था। हाँ तो तुम्हारे बाबा कमजोरी का मुजहरा कई को करे कहते, विचार करना था। तुम्हारे घर में रापने के वास्ते ना, जान दो जी तुम्हारे से कुछ भी नहीं होता, तुम्हारे तुम्हारा बस का नहीं है। तुम चार मीनार जाके डिजाइनर के पास से मेरा सूट लेके आ जाओ। ये काम बोलो हमारे से होते, झाड़ू पोता बर्तन हमारे से नहीं होता, ऐसा का नाश्ता बनो तुम। सुनो, अच्छे से सुनो। हाँ। सीधा जाओ, सीधा वापस आओ। हाँ। औरतों को घूरे ना। हाँ। अगर मेरे को मालूम हुआ, मेरे से बुरा नहीं होगा कोई भी, बता दे रही हूँ। खबरदार बोल दे रहा हूँ मैं, अगर मेरे पाक दामन पे तुम कीचड़ उछाड़ने की कोशिश करेंगे ना तो अच्छा नहीं होगा, मैं औरतों को नहीं घूरता। गुड, मैं तो सिर्फ नौजवान और खूबसूरत बच्चियों को घूरता हूँ। छिछोरे चिंदी कामा नहीं छोड़ेंगे ना तुम। तुम नको जाओ जी, तुम नको जाओ, तुम रहने दो। ठीक है, नहीं जाते हमारा क्या है भाई। हेलो, कहाँ है रे चोर साले? रे कौन बात कर रहा है रे? अरे तोतले साले, सीधी शराफत से मेरे पैसे मेरे को वापस दे दे छोटन। अरे तो छोटन को फोन करना रे, मेरे को कहीं को फोन करा हवले कोने जी। अरे कोने के जी, छोटन का दोस्त का के पैसे वैसे बोल रहा? रे इधर बात कर रे, रे वो तोतला मेरे को ये नंबर दिया, तू कौन बात कर रहा? मैं उसका भौरा ही बात कर रहा हूँ। अच्छा तू ही छे वो बट्टेबाज?
तेरा इस नाम बोल के तेरा साला पैसे लिया अमेरिकन से, तेरे कुछ पैसों की जरूरत है बोल के 4,300 रुपए। सीधी शराफत से मेरे पैसे मेरे को वापिस कर दो, नहीं तो मार के तेरे और तेरे साले के दोनों के जबड़े हिला देता हूँ। सुन रहा? अरे रे 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 बहन के लाडले रे, जवान सवाल के बात कर बोल रहा हूँ, नहीं तो तेरे 64 के 64 दाता गिरा देता साले। जी दाता तो 32 रहते ना। मेरे को मालूम था जी तुम बीच में उछलते बोल के, इसके वास्ते तुम्हारे भी दाता मिला लिया मैं। रे मास के बड़े, एक बात की औलाद है तो वसूल करके दिखा रहे पैसे, देखता हूँ। रे रे बड़े बात कर रहा रे, मेरी बात सुन पहले रे, तेरे साले को बुला। रेट फॉर रेट, अरे दिमाग खराब। बहुत गुस्से में दिख रहे जी आप, पानी पियो। जी मेरे को एक बात बोलो, तुम और तुम्हारा भाई मेरे को सुकून से जीने देते ही नहीं देते। अब क्या करा छोटन? अरे मेरे नाम पे मार्केट में पैसे ले रहा है उधार, पूरी बेइज्जती कर लेते फिर रहा मार्केट में है तो इज्जत खराब कर रहा हूँ। इज्जत रही तो खराब करेगा ना। मेरा मतलब क्या बोले, क्या बोले तुम? अरे मेरा मतलब इज्जत रही तो खराब करेगा ना उसकी, उसकी इज्जत। अरे उसकी इज्जत की कौन बात कर रहा जी, मैं मेरी इज्जत की बात कर रहा हूँ। तुम्हारी इज्जत? तुम अपनी इज्जत उसको कहीं को दे रहे? उठा के अलमारी में रखो जी। इज्जत क्या तुम्हारे बाबा की जायदाद के पेपर है? उठा के अलमारी में रखने के वास्ते इज्जत बनाना पड़ता, इज्जत कमाना पड़ता जी। मालूम जी, मैं मजाक कर रही थी। अरे देखो भाई सीधी सीधी बात, तुम अच्छा समझो बुरा समझो या बुरा मानो, खुला खुला बोल रहा हूँ तुम्हारे मुंह पे, मेरे को तुम्हारा भाई जर्रा भी नहीं पसंद। पसंद तो मेरे को भी नहीं है, तो क्या करो बोल रहे, घर से निकाल दो। निकाल दो भाई निकाल दो, कम से कम जर्रा तो भी सुकून मिलेगा। घर का झाड़ू पोछा बर्तन तुम करते? तुम क्या घर में अंडे देने के वास्ते है जी? ओ हेलो, मुर्गियों के खानदान के ना तुम होंगे, सुबह सुबह उठते करकना चालू कर देते। ए बेगम, क्या मेरे अंदर के कुत्ते को नक्को जगाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। ज्यादा होशियारी नक्को करो, बलदेव वालों को बोल के तुम्हारे अंदर के कुत्ते को पकड़ने लगवा देती हूँ। सही बोलते हुए बड़े बाबू, अलग खत्ते ही नहीं रहना, अलग रहे तो डर खौफ इज्जत एहतराम सब खत्म हो जाता। ज्वाइंट फैमिली में रहे तो सास ससुरे के डर से थोड़ी तो भी इज्जत करेंगे शौहर की। अलग रहे ना पीन लेते हस्बैंड को ऐसे जल्लाद बीवियां। जल्लाद किसको बोले तुम? तुम्हारे को बोला। मैं अगर जल्लाद हूँ तो मेरे साथ कई को रह रहे? उसकी भी एक वजह है। क्या वजह है? देखो मैं तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा नखरा, तुम्हारा नाज, तुम्हारा मिसबिहेवियर सिर्फ और सिर्फ इसलिए बर्दाश्त करता हूँ कि बीवी के जुल्म को सबर के साथ बर्दाश्त करने वाले को अल्लाह ताला जन्नत का वादा करे, बस इसके वास्ते। अच्छा हाँ, और 70 हूरों का भी वादा है जो कि बेहद खूबसूरत रहेंगे और फरमा बरदार भी रहेंगे, तुम्हारे जैसे धमसियां नहीं। बहुत नॉलेज है जी आपको। हाँ, तो बोलो हूरा दिखते कैसे? दूध की जैसी सफेद रंगत, शहद से मीठे होंठ, शराब से नशीले दो बड़े बड़े आँखें, नूरानी चेहरा, घने जुल्फ, सुरेली आवाज और मोरनी सी चाल। आहा हा, मैं क्या क्या बोलू बेगम, मैं क्या क्या बोलू, अपनी पड़ोसन को देख लो। यही करो तुम, दूसरों की बीवियों को घूरो, दूसरों की बहनों को घूरो। नहीं जी, छेड़ो इन लोगों को तुम खाली। अरे नहीं तो सुधरते जी तुम। वैसी बात नहीं है बेगम। कैसी बात है फिर? हाँ पड़ोसन हूर के जैसी है ना, फिर रहो उसके साथ, मेरे साथ कई को टाइम वेस्ट कर रहे? अरे मैं उसके साथ कई करूंगा जी, उन्हें बीवी है तुम बीवी है। अच्छा इतने डिटेल से ताड़े ना उसको, कभी प्यार से मेरी तरफ एक नजर उठा के देखे तुम, कभी मेरे खूबसूरती पे कुछ तारीफ करे मेरी। तो आप करता हूँ जी, कौन सी बड़ी बात है, अर्ज किया है? Really? अर्ज किया है? इशारत इशारत। पहली बार किसी के चेहरे पे निगाह ठहरी है, वाह उसकी आंखें सागर से भी गहरी है। हाँ? पहली बार किसी के चेहरे पे निगाह ठहरी है, उसके आगे सागर से भी गहरी है, थक गया हूँ प्यार का इजहार करते करते, अब मुझे पता चला है कि वो तो भैरी है। माँ को बहरा करता। अरे माँ भागो, माँ घर को वापस बता दे तुम्हारा। सलाम भाई। अरे वालिस्लाम। अरे क्या हुआ रो, तुम कब से डेली बन गए?
अरे क्या है, इतनी शिद्दत में निकला, पैसों की इतनी खिल्लत हो गई। अरे पार्सल आया यार तुम्हारे वास्ते। अरे मैं ऑर्डर इसने करा तो कहीं का पार्सल। अरे गिफ्ट है यार तुम्हारा। गिफ्ट? अरे तो फिर इधर आना। अरे भाई पानी में गई हुई, इधर इधर क्या हुआ, क्या तुम्हें गिफ्ट ले? जानी माज, आवे जमजम, तस्बी, सुरमा, खजूर लाया भाई। अरे यार तुम कब उमरा को गए? कल तो होटल में दिखे मेरे को। अरे मैंने यार भैया और वालदा गए थे हमारे। ओहो हो, माशाल्लाह माशाल्लाह भाई मुबारक। वो कैसा था कहते वहाँ का मंजर? मंजर तो माशाल्लाह मंजर था कहते भैया, बहुत प्यारा मंजर था बोले। चलो बहुत अच्छी बात है। और सफर कैसा था कहते? सफर का नको पूछो भाई, बहुत तकलीफ हुई बोले सफर में, बहुत प्रॉब्लम आ गई बोल के बोले। अरे कहीं को यार पैकेज में नहीं गए? पैकेज में गए भाई। अरे पैकेज में गए तो कैसा प्रॉब्लम होती है यार? क्या क्या था कहते पैकेज में? वो टिकट, वीजा, और वो ट्रांसपोर्ट, लॉन्ड्री, आबे जमजम, और फुल मील, तीन टाइम खाना, और मक्का मदीने की जियारत। बराबर। अरे भाई सब लोग बोलते मगर करते थोड़े लोग। सही बोले भाई, ये बात बहुत तकलीफ हुई कहते। 500 मीटर पे रूम बोले भाई, 2 किलोमीटर तप्तिश की धूप में भाई, उतनी दूर जाना आना पड़ रहा था कहते, बहुत परेशानी का आलम था। और खाना ऐसा बोले, हैदराबादी लजीजदार खाना बोले, फिक्का डूस खाना कहते भाई, खाए नहीं जा रहा कहते किसको भी, वो आलम था कहते। 24 घंटे सर्विस बोले भाई, 9 बजते भी सब। इसके वास्ते बोलते यार वो लोग वादे बहुत करते मगर निभाते कोई भी नहीं। मेरे को एक बात बोलो, लोग उम्र को कहीं गुजरा? इबादत को जाते ना भाई। इतने सौ परेशानी में इंसान इबादत करेगा या परेशानियां देखते बैठेगा? बोल। बिल्कुल सही बोले भाई, इतने पैसे लगा के तकलीफ उठाने का क्या मतलब भाई। इसके वास्ते बोलते यार चार लोगों से मशवरा करना, जरा हमारे बोलना तो सही यार। हमारे दोस्त के ट्रैवल से भी जाता था तुम्हारे अलमहर टूर्स एंड ट्रैवल से। गलती हो गई जी भाई, जरा मशवरा कर लेना था जी भाई, नहीं तो आपके दोस्त के ट्रैवल से वालदा को और भैया को भी जाता था जी मैं। और क्या है, सर्विस भी अच्छी मिल जाती थी जी अपने को। अरे नहीं नहीं वैसा कुछ भी नहीं है भाई, आप मेरा नाम लेके जाओ या किसी और का नाम लो या डायरेक्ट चले जाओ, आप सबको एक ही सर्विस है, सबको एक नज़र से देखते हैं लगा। हाँ मेरा नाम अगर आप लेते तो आपको शायद थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता था। डिस्काउंट का मसला नहीं है भाई, सर्विस अच्छी होना जी। उतनी दूर गए बात, आपके दोस्त के ट्रैवल में क्या क्या सर्विस है भैया? भाई देखो वॉइस सर्विस है तो दूसरों की सर्विस है, फ्लाइट टिकट्स, वीज़ा प्लस इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, लॉन्ड्री, आबे जमजम, मक्का मदीना की जियारत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मज़ार की जियारत कराते। तो अलमहा टूर्स एंड ट्रैवल्स में और दूसरे ट्रैवल्स में क्या फ़र्क है भैया, सब जने वही सर्विस दे रहे हैं ना? ये अच्छा सवाल करे तुम। अलमहा टूर्स एंड ट्रैवल्स जो बोलते ना वो करते। अगर उन लगा बोले 500 मीटर के अंदर आपकी होटल का रूम रहता तो 500 मीटर के अंदर आपके होटल का रूम रहता। अगर उन लगा बोले कि भाई 24 घंटे सर्विस तो आपको 24 घंटे सर्विस देते, 9 बजते की भाग जाते नहीं। और खाना बेहतरीन रहता आपके हिसाब का। अब मेरे को एक बात बोलो, लोग उमरा करने कहीं को जाते? इबादत के वास्ते जाते ना वे। अलमहर टूर्स एंड ट्रैवल का मकसद ही है कि वही हाजियाँ इबादत पे फोकस करना, उन लगाओं की खिदमत पे फोकस करना, ये उनका मकसद है। माशाल्लाह भाई बहुत अच्छी बात है ना जी, मेरा भी इरादा और आपके दोस्त के ट्रैवल से जाने का। बिल्कुल बिल्कुल माशाल्लाह, बहुत खुशी की बात है भैया। भाई भैया जरा एड्रेस बता दिए तो मैं जाके ऑफिस विजिट कर लेता ना जी। देखो उनके ऑफिस देखो भाई, एक मेहदीपट्टनम पे है, एक पंजागुट्टे पे है और एक दीवान दौड़ी पे है। जो भी आपके घर के करीब है वहाँ पे जाके विजिट कर लो आप। अच्छा भाई देखो मैं आपको नंबर भी दे देता हूँ, आप उनको कॉल कर लो, आपकी सहूलत के हिसाब से ऑफिस विजिट करो। भाई महीने में उनके मेरे ख्याल से 2 ग्रुप आते, किसको मालूम है, मैंने मैं आपका नंबर आ देगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह आपकी ज़बान आमीन करे भैया। आमीन आमीन इंशाल्लाह। ठीक है भैया, ओके अल्लाह हाफिज़ भैया। अरे ना भाई आई सुनते हो कि गिफ्ट दे के था यार बोले तो कैसा देख के था जरा बाजू बाजू से बारिश पड़ रही, वायरल हो देगा। ठीक है भाई, ओके भाई अल्लाह हाफिज़। भाई शुक्रिया गिफ्ट के वास्ते। कोई बात नहीं भाई। बेगम बेगम कहाँ है? इधर आओ, पार्सल आया। देखो बेगम अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल, वड़कम। आई होप कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, खास करके इसमें जो इन्फॉर्मेशन है उमरा पैकेज के बारे में, ये आप लोगों के वास्ते ज्यादा यूजफुल रही होंगी। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि रजाक भाई इसकी ऑफिस वगैरह कहाँ है, कैसी है, और डिटेल में थोड़ा बोलिए बोल के। तो मैं क्या कर, आप लोगों की सहूलत के लिए मैं अलमहर टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस में आ गया मेहदीपट्टनम की, और हमारे साथ उसके ओनर मौजूद है, तो ही विल गिव यू द मोर इन्फॉर्मेशन। भाई जी भाई अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। तो ये अभी हमारा उम्रे का जो पैकेजेस है
पूरे स्टार्ट हो चुके हैं इंशाल्लाह। 18 जुलाई को पहला ग्रुप निकल रहा है हमारा, फिर उसके बाद अगस्त के बैक टू बैक ग्रुप से 1 अगस्त को है, 15 अगस्त, 18 अगस्त, ऐसे बैक टू बैक ग्रुप से। अपने पास पैकेजेस में फुल रहेगा, फ्लाइट टिकट रहता, वीज़ा इंश्योरेंस, फुल ट्रांसपोर्ट, मील, लॉन्ड्री, हमारे लोग देख, हमारे ऑडियंस का या हमारे जितने भी चाहने वाले उनका सवाल एक ही है, पैसे देने में प्रॉब्लम सही है, जो दूसरी जगह प्रॉब्लम होती वो नहीं होना। नहीं, इंशाल्लाह वो तो अपने पास 1% प्रॉब्लम नहीं होंगी इंशाल्लाह। अपन 500 मीटर पे बोले होटल तो 500 मीटर पे देते जी, 300 मीटर पे बोले तो 300 मीटर पे देते। अपने पास ग्रुप्स का भी बनता है और अपने पास कस्टमाइज प्राइवेट पैकेजेस, अभी आपके कोई लोग हैदराबाद के बाहर है या इंडिया के भी बाहर है तो उनको भी अपन कस्टमाइज करा के पैकेजेस बना के दे सकते हैं इंशाल्लाह, वो भी काम चलता है अपना। अपना एड्रेस ये है मेहदीपट्टनम प्रिंस होटल के अपोजिट माविन जमजम बोल के अपार्टमेंट है प्लाजा, वहाँ पे 1st फ्लोर पे है अलमहर टूर्स एंड ट्रेवल्स बोल के, आपको बाहर बोर्ड दिख जाएगा इंशाल्लाह। और स्क्रीन पे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स है, आप उनसे रब्ता करके इधर आके आप कमरा पैकेज करवा सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टिकट्स भी मिलेंगे अपने पास, हॉलीडे पैकेजेस सब कस्टमाइज करके, हर चीज़ ट्रैवल रिलेटेड हर काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।